हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि अब से पहले मैंने जो भी कुछ कहा आप उस चीज़ पर ध्यान दिए होइएगा, और बस छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके ही हम मैथ जैसे इतने मुश्किल सब्जेक्ट को, और मुश्किल तो है नहीं पर लोगों को लगता है मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कुछ ही मुश्किल है इसमें। तो मैं इसको बनाने का जो आपको मैं तरीका बताऊंगा वो सब तरीका क्या है, आप कैसे बना सकते हैं इसको बिल्कुल एक लाइन में बिना किसी ट्रिक के मदद के। हम बिल्कुल छोटी सी बात जानते हैं, परसेंट इज इक्वल टू 1/100, सिर्फ इसी का हम यूज करेंगे और किसी चीज़ का नहीं, और इसी पर पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो फिर देखते रहिए कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले समझिए कि मैथ का जितना भी चैप्टर आएगा आपको, उसमें आपको दो दो टाइप के क्वेश्चन, वो आपको दो टाइप के चैप्टर होंगे। एक होगा कैलकुलेशन बेसिस और दूसरा होगा लैंग्वेज बेसिस। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कैलकुलेशन बेसिस, जो इस टाइप का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन रहेगा यानी समीकरण रहेगा, उसका आपको कैलकुलेशन करके निकालना होगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, ये लैंग्वेज बेसिस होगा, और लैंग्वेज बेसिस को पहले आपको कैलकुलेशन में बदलना होगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ओके, तो फिर देखते हैं ये सब क्वेश्चन जो है आपका है कैलकुलेशन बेसिस, और यही तो आपको सीखना। मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, ठीक है, और मैं कैसे बनाता हूँ इस चीज़ को। तो फिर ठीक है, देखते रहिए क्वेश्चन नंबर एक को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर एक ये रहा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, कहता वाट का 8.1/3% बराबर 150 है। तो वाट के जगह पर क्या होगा, तो आपको कैसे बनाना है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, वाट के जगह पर एक्स लिख दीजिए। देखिए पहले हम आपको इसमें बस ये सीखना है कि इसका कन्वर्शन कैसे करते हैं, उसमें कैलकुलेशन तो आप लोग को आता ही होगा। तो फिर देखिए इसके जगह पर लिखिए एक्स का मतलब गुना होता है, और 24 से 25/3 आप परसेंट, और देखिए यहाँ परसेंट है ना, इस परसेंट का मैंने क्या बोला था आपको, उस परसेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/100 लिख सकते हैं, गुना 1/100। मैंने क्या किया, इसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ 1/100 लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने, बराबर 150। अब देखिए इसका कैलकुलेशन निकालना कितना आसान होगा। तो अब देखिए कि हमको हमको बस कंपटीशन में एक बात का ध्यान रखना होता है कि कंपटीशन में बस हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माइंडली उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, लिख करके नहीं। जिस चीज़ को हम कैलकुलेट जिसका कैलकुलेशन हम माइंडली कर सकते हैं उसको आप माइंडली करने की ही कोशिश कीजिए, क्योंकि लिखने में भी टाइम बर्बाद जाता है। और यदि हमको हमको हर एक जगह से टाइम को बचाना हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, किसी भी सब्जेक्ट में से हमको सिर्फ और सिर्फ टाइम को बचाना है, ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिर जब देखिए कि इसको कैलकुलेशन को, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो देखिए, a/b रहे और c/d रहे, इस रूप में इक्वेशन रहे, तो देखिए कि हम कैलकुलेशन को आपस में कटा करके यानी भाग देकर कटा करके ही हम उसको आसान बना सकते हैं। तो इसको देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, बराबर की इस पार और उस पार बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम ऊपर को ऊपर से कटा सकते हैं, नीचे को नीचे से कटा सकते हैं, एक ही साइड में ऊपर को नीचे से कटा सकते हैं और नीचे को ऊपर से, इसमें ऊपर को नीचे से, इसमें भी ऊपर को नीचे, यानी कि चार तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम चार तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले को बराबर को उस पार ऊपर वाले से कटा सकते हैं, नीचे वाले को नीचे से कटा, यदि यहाँ कुछ रहता तो उनको कटा सकते थे, तो और एक ही साइड में ऊपर को नीचे से और ऊपर को नीचे से कटा सकते हैं। ओके, तो फिर देखिए ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको जो भी बताऊँ स्टार्टिंग का क्वेश्चन, वो बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको तोड़ तोड़ के बताऊँगा कि एक लाइन में ही आंसर कैसे आ जाए। तो फिर देखिए इसको कैसे करना है कि 25 को 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 3 12, 15 को 12 से गुणा कीजिएगा तो आएगा 180, ठीक है, 180 आएगा, 180 पर 10 यानी 1800 इसका आंसर होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाना कैसे है, फिलहाल देखिए इसका कैलकुलेशन मैंने कैसे किया था,
इसके बाद क्या होगा कि 25 चौका 100, अब देखिए 25 को इधर से भी कटा सकते थे, 25 छक 150। तो अब देखिए क्या करना है कि x बराबर 150 गुना 3 गुना 4 3 गुना 4। आपको हमेशा कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी रखना है। तो देखिए 4 दिया 12, 15 को आप 12 से गुना कीजिएगा तो आएगा 180, यानी 18 से इसका आंसर होगा। कितना नॉर्मल है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ परसेंट की जगह पे 1 बट्टा 100 डाल दिया है। हमें उम्मीद है आप लोगों ने इस चीज़ को सीख गया होगा, और यदि नहीं सीखे हैं तो अब तो इसकी को रिपीट करके देख सकते हैं दोबारा। अब देखिए मेरा यहाँ पर, अब देखिए किसी क्लास से ज़्यादा आपकी तैयारी आपकी यहीं पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्लास में टीचर आपको कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, और मेरा तो यहाँ पर सब चीज़ रिपीट है। तो आप कभी भी इसको निकाल करके देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया, और आपको आपको मेरा कैलकुलेशन में ध्यान देना नहीं होगा। कैलकुलेशन में गलत ही बना सकता हूँ, पर मेरी जो 4-5 टिप्स थी आपको बनाने के लिए, वो सब बात जो माइंड वाली बात जो भी चीज़ है उस पर बस ध्यान दीजिए। और अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे बनाते हैं, कि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह कि क्वेश्चन का लैंग्वेज को ही स्टूडेंट को समझना पड़ता है, और उसी लैंग्वेज को यदि आप एक चैप्टर में समझ गए तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा, वो भी बिल्कुल इजीली आसानी से। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, वाट की जगह पे एक्स डाल दीजिए, एक्स का 16 पूर्णांक 2 बट्टा 3%। और देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे बट्टा, 16 48 2 50 बट्टा 3, 50 बट्टा 3। अब परसेंट की जगह पे आपको क्या लिखना है, 1 बट्टा 100 लिखना है, 1 बट्टा 100 लिखना है, बराबर 150 लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से कटा सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे कटा सकते हैं। देखिए तो 50 दो बार में, 3 दूना 6 और 15 छक्का 90, यानी कि इसका आंसर होगा 900, यानी ये इसका 900 होगा। अब इसको विस्तार में देखिए, x बराबर 150 गुना 3 गुना 2, और आपको कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली हो जाएगा, 15 या 45 दूना 90, 90 पर 1 0, यानी इसका आंसर क्या हुआ, 900, वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए आपको यहाँ से इसी को बस मेरा आप तरीका देखिए कैसे हम बनाते हैं, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरह से बनता है, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी लंबा छोटा क्यों ना हो। अभी फिलहाल मैंने स्टार्ट किया है, और आपको बस समझना है, और जब समझ गए तो ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका मैथ। और नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं कहाँ पर आप नहीं समझ रहे हैं। ओके ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कहता है हमको वैसा ही करना है, हमको अपना दिमाग से कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 25% बराबर है, तो 25% बराबर है, यानी कि 25 इसका आंसर हमको चाहिए पॉइंट में। तो 25 अब प्रतिशत जब आप क्या लिखना है, 1 बट्टा 100, बस मैंने बस यही किया। तो 25 चौका 100, यानी इसका आया कितना, 1 बट्टा 4। अब देखिए इसका आंसर चाहिए हमको पॉइंट में, तो इसको इसमें भाग दे दीजिए, 0.25 आएगा, इसका भाग देते हैं। तो ठीक है, सीख रहे हैं आप लोग, 1 में हम 4 से भाग दिए, दशमलव का भाग लगेगा, तो 0.25 इसका आंसर हो। उसके बाद देखिए इसको 12.5% को भिन्न में बदलिए, मतलब इसका आंसर लाइए बट्टा में। यहाँ पर देखिए ये परसेंट था, परसेंट का आंसर हम लाए थे बट्टा में, यहाँ पर देखिए परसेंट था, ये परसेंट का आंसर लाए थे हम बट्टा में, और उसके बाद हम पॉइंट में आंसर लाए। अब देखिए यहाँ क्या करता है, इसको भिन्न में लिखिए, और 1 बट्टा 2 के रूप में, यानी इसको p/q के रूप में इसका आंसर हमको चाहिए। तो अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, बस जैसा यहाँ पर किए वैसा आपको यहाँ करना है, और 24 से 25 बट्टा 2 और गुना 1 बट्टा 100, बिल्कुल नॉर्मल है, 25 चौका 100, तो 1 बट्टा 8। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं, ये जितना भी क्वेश्चन है वो किसी ने किसी रेलवे के एग्जाम में ही पूछा गया है क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन अपना मन से नहीं, ये आसान या भारी नहीं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन सीखिए कि 37.5% बराबर है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, इसमें 37 गुना 74 75 बट्टा 2, 75 बट्टा 2 गुना परसेंट जगह पर 1 बट्टा 100, 25 से कटा सकते हैं, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 बट्टा
8 इसका आंसर हुआ ये वाला, इसका आंसर हुआ ये वाला। तो हमें उम्मीद है बस, देखिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और देखिए आप यहाँ से 5 तक सीख गए, नहीं सीखे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, और जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप इसको देखते रहिए। अब इसमें आपको मैं 5, अब देखिए फिलहाल मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ इसको, बहुत स्लो मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नहीं आ रही अब तक 5 वीडियो, तो अब देखिए मैं आपको दूसरा वीडियो में बना बताता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है, डिस्टर्बिंग के लिए सॉरी। हाँ तो अब देखिए अब इसको करना क्या, आप देखिए यहाँ पर क्या था, उधर वाले क्वेश्चन में परसेंट जैसे 25% था उसको बदलना था भिन्न में, और यहाँ पर क्या है ये भिन्न है, इसको बदलना है प्रतिशत में। तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है वो आप लिख सकते हैं जनरली थोड़ी देर के लिए, कि यदि कोई परसेंट रहे, परसेंट को बदलना हो भिन्न में यानी पी बटा क्यू के रूप में, तो उसको आप गुना कीजिए, पी बटा क्यू के रूप में बदलना हो तो आपको क्या करना है, गुना करना है 100 से। ठीक है, जब कोई परसेंट रहे यहाँ पर, उधर जो 25% था, तो जब कोई परसेंट रहे, परसेंट को हमको बदलना है भिन्न के रूप में, तो नहीं सॉरी वो गलती हो गई, उसको गुना करना है 1/100 से, उसको गुना करना है 1/100 से। उसके बाद यदि कोई, अब पी बट्टा क्यू रहे, जब कोई पी बट्टा क्यू रहे, जब आप उसको कोई पी यानी 3/4 है, पी बटा क्यू रहे, तो उसको करना क्या है कि पी बटा क्यू को गुना करना है, यानी इसको करना है मल्टीप्लाई करना है 100 से ऊपर में, और यहाँ पर जब परसेंट को बदलना है पी बटा क्यू के, तो इसको गुना करना है यानी 100 से नीचे में। ओके ठीक है, ये चीज़ को सीखे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर सीख लीजिए। हाँ ठीक है, देखिए कि हम 3/4 को बदलना है हमको परसेंट में, तो 3/4, अब देखिए हम उस फॉर्मूला को नहीं भूल जाते हैं, हम कुछ भी नहीं, हम इसका बेसिक चीज यूज करते हैं, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए कितना परसेंट होगा। तो हम मान लेते हैं कि 3/4 बराबर के प्रतिशत, ठीक है 3/4 बराबर के प्रतिशत। अब देखिए 3/4 बराबर के गुना 1/100, अब देखिए नीचे को नीचे से कटा सकते हैं, तो 4 को 25 बार में, अब देखिए के बराबर 25 × 3 यानी 75, तो यानी के इजकल टू 75%, चूंकि के परसेंट में था इसलिए के बराबर 75% निकल गया। और इसे जनरली आप करते क्या, इसको इसको आप 100 से गुना कर देते हैं यहीं पर, और 4 को 25 बार में, 25 दिया 75, तो आपको समझाने के लिए के वाला एग्जाम्पल लिए। ओके ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, 3/8 को बदलिए प्रतिशत में, तो 3/8 और इसको 100 से गुना कर दीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पर बताए थे पहले, 3/8 होना 100, 4 × 8 25 का 100, 25 दिया 75/2 यानी कि 37.2%। चलिए ठीक है, 75 में 2 से भाग दीजिए, इसको पूर्णांक के रूप में ले आइए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 34 का 15% क्या होगा। हाँ यहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट होती है, ये सब बिल्कुल बेसिक का है, ये सब कैलकुलेशन बिल्कुल बेसिक का है और आपको अच्छी तरह सीखना है, खास करके मैं वैसे स्टूडेंट के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कमजोर है, उनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओके ठीक है, देखिए तो अब 34 का 15% बराबर क्या होगा, तो देखिए जैसा कहा था वैसा लिख दीजिए, 34 × 15 बट्टा यानी 15 × 1/100 बराबर क्या होगा। तो देखिए 2 से कटा दीजिए 17, 2 से कटाइए 50, 5 से कटाइए 5 दिया 15, 5 × 10 = 50, 17 दिया 51/10 यानी कि 5.1 इसका आंसर हुआ, 0 डाल सकता हूँ ना मन से। उसको देखिए
450 का 30% क्या होगा? तो बस कुछ नहीं, जैसा कहता वैसा आप लिख लीजिए, 450 गुना 30 गुना 1/100, इससे ये 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का खत्म, 45 को 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 135, यानी इसका हुआ 135 आंसर। अब इसका देखिए, 348 का 66.2/3% क्या हुआ? तो 348 गुना 18 20, 18 2 20/3, ओके। तो इतना है, इतना गुना 1/100, इससे कैंसिल, 3 से कटा दीजिए इसको, 3 × 3 48, इतना होना तो 116, 232, 232 ये आंसर है। ठीक है, तो ये 10 का 10 क्वेश्चन रहा। इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, 10 क्वेश्चन और बताऊंगा, अब थोड़ा सा तेजी से बताऊंगा। हमें उम्मीद है पूरा का पूरा वीडियो आपने देखा होगा, और इतना चीज को आप समझ लीजिए, कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और सबको आप कॉपी पे लिख लीजिए, उतार लीजिए। और अब देखिए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, तो वो ये है कि आपको देखिए, ये सब टाइप का क्वेश्चन आप देखिए कि हम यदि 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, तो उसको करना क्या होगा, बिल्कुल आसानी से हम करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से, माइंड में जरा सा भी टेंशन नहीं रखेंगे। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है कि क्वेश्चन तो वो बनाता है, लेकिन उसके क्वेश्चन देखा उसके बाद उसके मन में ऑप्शन घूमने लगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। अब मेरी बात मानिए, आप सभी को, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को मानिए, आप अपने थ्योरी को मानिए, ऑप्शन पर ध्यान नहीं दीजिए, ऑप्शन गलती भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए, ऑप्शन गलती भी हो सकता है, मिसप्रिंटिंग हो सकता है, इसलिए आप फुल कॉन्फिडेंस से बनाइए, और बस यही करना है आपको। मैंने जो 2 4 बात को आपको बताया, उस बात को आपको ध्यान देना है। तो बस ठीक है, तो मेरा मकसद बस यही है कि आप लोग को बिल्कुल नॉर्मली मैं सिखा दूं, और सिखाने से पहले आपके माइंड का पूरा चीज क्लियर होना चाहिए कि इसमें मैथ बिल्कुल भी भारी नहीं है। यदि भारी लगता है तो आप वो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या भारी लगता है, कैलकुलेशन करना या फिर लैंग्वेज समझना। लैंग्वेज समझना ही सबसे बड़ी भारी काम है, और मैं आपको देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर बताया हूँ, सबका लैंग्वेज को समझा, फिर मैंने बताया कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, कैलकुलेशन आप कभी भी सुधार कर सकते हैं। लैंग्वेज हम लोग की हिंदी है, जिस भाषा में भी क्वेश्चन रहे उस भाषा को बस ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़िए, 3 4 पॉइंट का उसमें ध्यान देना पड़ता है। फिलहाल तो मैं ये कैलकुलेशन चैप्टर का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मेरा वीडियो आएगा भाषा वाला चैप्टर का, और मेरा बस एक बात का गारंटी पूरा है कि आपको, यदि आप यदि मुझसे परसेंटेज चैप्टर भी यदि सीख से ठीक से सीख जाते हैं, इसके बाद आपका पूरा का पूरा 46 का 46 चैप्टर बनेगा, क्योंकि सब में एक ही टाइप का तो भाषा रहेगा, भाषा तो बदलेगा नहीं। तो बस यही करना है आपको, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। बहुत लोगों ने ये शिकायत किया था, आपका वीडियो बहुत लंबा बनता है, या फिर बहुत बकवास करते हो या भाषण करते हो। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले, मैं सब लोगों के माइंड को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर सब लोग अलग अलग टाइप के लोग होंगे, तो बस मैं यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट तो नहीं कर रहा हूँ ना। और मेरा वीडियो में जाकर देखिएगा, मेरा वीडियो का जो रैंकिंग है वो 3.10 मिनट पर वीडियो, यानी इसका एवरेज है, जो कि यूट्यूब में सबसे अच्छा एवरेज माना जाता है, यूट्यूब ट्यूटोरियल में सबसे अच्छा एवरेज माना जाता है 3.1 मिनट। और मुझे लगता है आप इसी को बढ़ाइएगा और ज़्यादा, क्योंकि मेरी कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, मैं अपने माइंड से ही कैलकुलेट करता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ ही फॉर्मूला अप्लाई किया नहीं ना, बल्कि उल्के मैं फॉर्मूला आपको निकाल के बताऊंगा, ट्रिक मैं आपको निकाल के बताऊंगा कहाँ से आया ट्रिक। और एक बात समझिए कि जो क्वेश्चन आपको ट्रिक पर बनेगा वो क्वेश्चन आपको मुझवानी बनेगा, और ट्रिक लाता कैसे है वो मैं आपको यहीं से बताऊंगा। ट्रिक एक लाइन बनाता है, आप उससे पहले मुझवानी ही बना दीजिएगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको जितना भी क्वेश्चन है उसको भाषा को कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना है, समीकरण रूप में कन्वर्ट करना है, और इसको बस अपने माइंडली जितना कैलकुलेशन हो सके कर सकते हैं। जितना भी कैलकुलेशन था सबको मैं अपने माइंड से भी कैलकुलेट करके आंसर मैं डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, इतना मेरा माइंड स्ट्रांग है कैलकुलेशन के मामले में। तो बस मैंने आपको ये सब बताया, और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो पूरे दिल से बना सकूँ।
और यदि आपको डिसलाइक करना है तो आप बता दीजिए यहाँ पर, समझने में आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई, फिर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करके आपको बता दूंगा। ओके, तो फिर ठीक है, आप मेरे लिए इतना समय निकाले पूरे 20 मिनट का, थैंक यू सो मच। बस मैं अगला वीडियो का फिर से इंतजार कीजिए। और सबसे फूल एंड फाइनल बात कि आप मुझसे पढ़ सकते हैं, आप यहाँ यदि आना चाहते हैं तो यहाँ आके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये 4 महीने का कोर्स होगा और इस कोर्स का रहने खाना और पढ़ाई पूरा का पूरा बंदोबस्त किया गया। हॉस्टल सुविधा है, मेस सुविधा है और कोचिंग, ये मैं आपका क्लास लूँगा यहाँ पर डायरेक्टली। और जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, रीजनिंग बिल्कुल भी समझ में आता है, GS का क्वेश्चन याद करते नहीं आता समझ में, टेक्निकल नहीं आता समझ में, और उसको जॉब चाहिए, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि बस रेलवे का लोको पायलट ही। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जितना भी कंपटीशन है ना, ग्रुप D से लेकर के यूपीएससी तक का PT भी पूरा का पूरा एक ही सिलेबस को कवर करता है। और बैंकिंग, SSC, रेलवे अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, सबका सिलेबस बिल्कुल सेम से है। मैथ, रीजन, GS, इंग्लिश, टेक्निकल, ये सब कवर कवर कीजिए, आपको जितना भी एग्जाम है सब में पास हो जाएगा। यदि ऐसी बात नहीं रहती तो मैं भी कहीं से भी कोचिंग नहीं किया हूँ, बस डायरेक्टली मैं अपने माइंड से ही सोचता रहा हूँ, उसको आसान से समझाने की कोशिश किया हूँ। और मैं देखिए, रेलवे में रिजल्ट है, SSC में रिजल्ट है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस मैंने पास किया, यानी तीनों अलग अलग टाइप के मैंने टेस्ट को पास किया। तो यदि मुझ में ऐसी कोई बात होती तो एक ही टाइप के मैं पास कर पाता, ऐसी बात बिल्कुल भी। कंपटीशन कंपटीशन होता है, जो स्टूडेंट ग्रुप D में बैठता है वही स्टूडेंट लोको पायलट में भी बैठता है, वही स्टूडेंट स्टेशन मास्टर में भी बैठता है। तो इस बात का मिथक बिल्कुल ही मत रखिए अपने माइंड में, और बस एक ही चीज सोचिए कि हमको बस मेरे सामने जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन चाहिए, चाहे जहां से हो सके, इंटरनेट से हो, कहीं से भी हो। मैं अगला वीडियो हो सकता है तो मैं 2-3 मैं इंटरव्यू का मैं बताऊंगा। एक स्टूडेंट मेरा था, उसका नाम विपुल कुमार है, वो मेरे यहाँ आया पढ़ने के लिए इस साल, और वो बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम जिसमें कि 10 लाख स्टूडेंट भाग लेते हैं, उसमें 20 उसमें बस वही 12-13 हज़ार उसमें सीट रहता है बिहार पॉलिटेक्निक में, और वो स्टूडेंट का रिजल्ट आया है और उसका रैंकिंग है 136, यानी 136। पर मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मैं पहले से जानता था उसका इस तरह से आने वाला है। और ओके, पर मैं खुश बहुत हूँ क्योंकि मेरे एक रिजल्ट भी आया है यहाँ पर, और वो हो सकता है तो अभी आएगा मिलने के लिए। ओके, तो हो सकता है तो मैं उसका, मैं आप लोगों को इंटरव्यू में आप लोगों को दिखाऊँ। एक स्टूडेंट और है मेरा जिसका 2014 में मुंबई रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, वो मेडिकल करवा के आ चुका है, उसका भी मैं वीडियो आपको बताऊंगा इंटरव्यू का। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, मेरे आसपास 2 गांव हैं, एक गांव मेरे पास का बिल्कुल मेरे घर के पास का ही गांव है, मेरा ही गांव समझ लीजिए। तो वहां से आपको करीब करीब जितने भी घर हैं सभी घर में रेलवे में नौकरी करने वाले जरूर रहते हैं, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ये सब चीज का। और उसमें बहुत सारे, जैसे कि 100 से ऊपर लोको पायलट होगा। एक गांव और है जो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, उस गांव को भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस गांव को भी मैं दिखाऊंगा। और उस गांव का एक रिकॉर्ड होना चाहिए पूरा इंडिया में, वहां से करीब 300 से भी ज्यादा लोको पायलट है, 300 से भी ज्यादा लोको पायलट है। ओके, तो सुन के आश्चर्य लग रहा है, पर ये बिहारी टैलेंट है, मेहनत हम लोग बहुत करते हैं, एक ही क्षेत्र में 5-6 साल लगातार एक ही चीज को पढ़ते रहते हैं, जो भी मिलता है पढ़ने के लिए उसको बस दिन रात मिलकर रटते रहते हैं। और मैं क्या किया हूँ, उस चीज़ को बिल्कुल कम कर दिया हूँ, जिस पढ़ाई को 5-6 साल में होता है वो पढ़ाई को मैं 4 से 5 महीने में करवा देता हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम 4 महीने, वैसे 3 से लेकर 4 महीने में किसी की भी तैयारी हो सकती है। देखिए जो स्टूडेंट बिहार पढ़ने रिजल्ट आया वो इस बार सिर्फ मैट्रिक पास किया था, सिर्फ मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट था और 136 रैंक लाया था। ओके, तो हमें हमें खुद पे तो पूरा का पूरा भरोसा है, आप पर भी भरोसा है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगले वीडियो का वेट कीजिए, मैं इसको 10 नंबर से आगे बढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को यदि मेरा नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मेरे नोट्स आप अपने पास रखिए, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा, मेरे नोट्स से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल कम समय में होगी। इस बात को मैं आपको यहीं पर बताऊंगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। और आपको यदि मेरा वीडियो को क्वालिटी को देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऊपर जाइए, इस साइड ऊपर मैं आपको दोनों इधर या फिर इधर 3 डॉट दिखाई देगा, उसको क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको क्वालिटी दिखाई देगा, क्वालिटी को आप बढ़ा करके 144 या 240 से बढ़ा करके 360 कर दीजिए, उसका इस वीडियो को डाउनलोड कर दीजिए, उसका इसको देख लीजिए, उसका फिर डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है? और पर मेरा वीडियो यूट्यूब पर तो हमेशा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं।
ओके तो भाई बहुत ज्यादा भाषण हो गया आज, ओके सॉरी बाय।